का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान भाइयों, कहते हैं कि परिवर्तन विकास का है पर्याय, यानी कि बदलाव ही विकास का पहला कदम है। और अगर हम खेती के संदर्भ में बात करें तो खेती में भी यही विकास दिखाई दे रहा है। इन दिनों खेती का स्वरूप बदल रहा है। हम खेती में कई नई नई तकनीकों को और उत्पादों को अपना रहे हैं। इन्हीं में से एक नई क्रांति का जन्म हुआ है नैनो यूरिया के रूप में। आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम बात करेंगे नैनो यूरिया के बारे में। और आपको सबको पता ही है कि अभी जो समय चल रहा है वो रबी की फसलों का समय चल रहा है। तो रबी की फसलों में नैनो यूरिया का हम कैसे इस्तेमाल करें, इसका क्या महत्व है, आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम इसी के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेगमेंट खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की मैं आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती से होगा कृषि क्षेत्र का कायाकल्प, ड्रिप और फव्वारा सेट पर अनुदान के लिए आवेदन और कृषि विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के आनंद में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कॉन्क्लेव ऑन नेचुरल फार्मिंग सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 6-7 साल में 20 से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तक, पीएम सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी तक, सिंचाई की सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए गए हैं। खेती के साथ ही पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और सौर ऊर्जा, बायोफ्यूल जैसे आय के अनेक वैकल्पिक साधनों से किसानों को निरंतर जोड़ा जा रहा है। केमिकल और फर्टिलाइजर ने हरित क्रांति में अहम रोल निभाया है, लेकिन हमें इसके विकल्पों पर काम करते रहना होगा। अपनी खेती को केमिस्ट्री लैब से निकालकर प्रगति की प्रयोगशाला से जोड़ना होगा। प्राकृतिक खेती में न तो खाद पर खर्च आता है और न ही कीटनाशक पर, सिंचाई की आवश्यकता भी कम होती है। कृषि से जुड़े हमारे प्राचीन ज्ञान को हमें न सिर्फ फिर से सीखने की जरूरत है, बल्कि उसे आधुनिक समय के हिसाब से तराशने की भी जरूरत है। इस दिशा में हमें नए सिरे से शोध करने होंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसान 26 दिसंबर 2021 तक पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ड्रिप और स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई की महत्ता को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा देश भर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत समय समय पर राज्य सरकारों के द्वारा किसानों से आवेदन आमंत्रित कर ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के तहत अभी वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई उपकरण ड्रिप और स्प्रिंकलर के अतिरिक्त लक्ष्य जारी किए जा रहे हैं। इच्छुक किसान दिनांक 26 दिसंबर 2021 दोपहर 12 बजे तक पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरुद्ध लॉटरी दिनांक 27 सितंबर 2021 को संपादित की जाएगी। लॉटरी में चयनित किसानों की सूची और प्रतीक्षा सूची दोपहर 12 बजे बाद पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी, जिसके बाद
चयनित किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत राज्य के लघु और सीमांत किसानों के समस्त वर्ग को ड्रिप सिस्टम पर इकाई लागत का 55%, वहीं अन्य किसानों को ड्रिप इकाई लागत का 45% अनुदान दिया जाएगा। कुम्हेर कृषि विश्वविद्यालय के कृषि स्नातक विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए गेहूं की फसल में वृद्धि के गुर सिखाए गए। कृषि महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने कृषि विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए कृषि अनुसंधान उपकेंद्र पर गेहूं की सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाओं को प्रायोगिक तौर पर बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि बुवाई के 20 से 25 दिन बाद गेहूं में क्राउन रूट इनिशिएशन होता है। ये पहली सिंचाई के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। इस सिंचाई में देरी होने से गेहूं के उत्पादन में कमी आती है। इसका कारण है जहां पौधे की जड़ निकलना शुरू होती है वहां नमी नहीं होती। इसके लिए खेत की सिंचाई कर नमी बनाना जरूरी है। इसलिए किसानों को गेहूं की पहली सिंचाई 20 से 25 दिन में अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद अनुमोदित मात्रा में यूरिया देना चाहिए। इसके पौधे में किल्ले ज्यादा फूटते हैं। बुवाई से 30 दिन के अंदर एक बार निराई गुड़ाई कर खरपतवार निकाल देना चाहिए। गेहूं के प्रमुख खरपतवार गेहूंसा और जंगली जई की रोकथाम के लिए आइसोप्रोटोरोन 0.75 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। उन्होंने बताया कि सही समय पर सिंचाई, खाद और उर्वरक देने और खरपतवार नियंत्रण से गेहूं उत्पादन में वृद्धि होती है। किसान भाइयों, खबरें खेती की मैं आज इतना ही। आप देखते रहे कृषि दर्शन। नमस्कार। हर जोखिम से निकलकर फसल आए सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में एक अनूठी पहल है, एक नया कदम है नैनो यूरिया। और ये नैनो यूरिया का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ना केवल हमारी लागत कम होती है बल्कि हमारी फसलों की गुणवत्ता में सुधार भी आता है और ये पर्यावरण के लिए भी काफ़ी उम्दा माना जाता है। किसान भाइयों और बहनों, इससे हमारी फसलों की गुणवत्ता में सुधार आता है, साथ ही हमारा उत्पादन भी ज़्यादा होता है। और चूंकि अभी समय चल रहा है रबी की फसलों का, तो रबी की फसलों में किस तरह से हम नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें, किस तरह से इसको उपयोग में लाएं, इसका क्या महत्व है, आज इन तमाम बातों पर हम जानकारी लेंगे। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है हमारे आज के खास विषय विशेषज्ञ डॉक्टर ए पी सिंह जी को। डॉक्टर ए पी सिंह जी, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। डॉक्टर ए पी सिंह जी, हम सभी जानते हैं यूरिया के बारे में, आमतौर पर हमारे किसान भाई यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो नैनो यूरिया है ये हमारी यूरिया से कैसे अलग है, इसके बारे में आप बताइए। जी मैडम, तो जो नैनो यूरिया है ये विश्व में पहली बार बनाया गया है और अपने ही देश के और ख़ासकर अपने राजस्थान के जोधपुर ज़िले के अपने वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश तालिया जी ने इसको विकसित किया है। और ये जो नैनो यूरिया है ये नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित एक नया और अद्भुत उर्वरक है, जिसके द्वारा जैसे हम यूरिया का उपयोग करके नाइट्रोजन प्रदान करते हैं फसलों को, तो नैनो यूरिया भी नाइट्रोजन ही प्रदान करता है। अच्छा, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो नैनो टेक्नोलॉजी में हम क्या होते हैं कि जो कण होते हैं उनको बहुत छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, जिससे उसकी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा
बढ़ जाती है और इसलिए उसकी कार्यदक्षता बहुत ज़्यादा हो जाता है जी। अगर हम नैनो यूरिया की बात करें तो यह एक 500 मिलीलीटर की बोतल में आ रहा है, जो कि जितना काम हमारा एक बैग यूरिया का करता है वो एक ये बोतल उतना ही काम करेगा जी। इसमें 4% का घोल है जो पानी में घोला गया है और इसका उपयोग हम स्प्रे के माध्यम से करते हैं या तरल रूप में पाया जाता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि नैनो यूरिया जो है वो नाइट्रोजन का एक बेहतर विकल्प माना जाता है, तो इसको इस्तेमाल करने के क्या क्या लाभ हैं, इसके बारे में बताइए। नैनो यूरिया के उपयोग करने से हमारी फसल उत्पादन ज़्यादा होता है और जो फसल उत्पादन होता है उसकी गुणवत्ता या मतलब कि क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। दूसरी बात यह है कि ये जो सामान हमारा यूरिया है उससे ये लगभग 10% सस्ता है। यह एक बोतल जो है 240 रुपये का मिलता है, जबकि हमारा एक बैग लगभग 267 रुपये का होता है। साथ ही में लगभग 1100 रुपये की प्रति बैग सरकार के द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। तो अगर हम देखें कि बहुत ही सामान्य यूरिया के मुकाबले ये बहुत सस्ता है। तीसरा चीज़ कि परिवहन में ये लाने ले जाने में बहुत आसान है जी, क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि एक बैग यूरिया किसी किसान को अगर 10 बैग यूरिया चाहिए तो उसको ट्रैक्टर ट्राली ऑटो या किसी ना किसी साधन से उसका परिवहन करना पड़ता है, जबकि इसको एक अपनी थैली में रख के बैग में रख के वो ले जा सकता है जी। साथ ही में भंडारण में के लिए कोई खास जगह नहीं चाहिए इसके लिए। और सबसे बड़ी जो खासियत इसकी है कि ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत सुरक्षित है, क्योंकि जो हम यूरिया का उपयोग करते हैं उसकी दक्षता बहुत कम होती है। केवल जो यूरिया सामान्य यूरिया यूज करते हैं उसका केवल 1/3 हिस्सा फसलों के द्वारा उपयोग किया जाता है और शेष वो वातावरण में चला जाता है, जो कि पोल्यूशन या पर्यावरण को हमारे दूषित का काम करता है। इस बोतल में हमारे केवल 20 ग्राम यूरिया होती है, नाइट्रोजन होता है, और ये 90% तक लगभग फसलों के द्वारा ले लिया जाता है, तो वातावरण में हमारा केवल 2 ग्राम यूरिया छूटता है, इसलिए ये पर्यावरण के लिए पूर्णतः सुरक्षित है। डॉक्टर साहब, भारत सरकार द्वारा इसे अनुमोदित किया गया है, अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ये कितना कारगर है? ये काफ़ी अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि हमारी जो परिस्थितियाँ हैं देश के अन्य भागों से बहुत अलग है जी। एक हम देखें कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बरानी क्षेत्र है, मतलब वर्षा आधारित खेती होती है, सिंचाई के बहुत कम साधन हैं। दूसरी बात ये होती है कि हमारा जो मिट्टी का पीएच मान है जो कि लगभग 7 के आसपास होना चाहिए अगर हमें अच्छा उत्पादन लेना है, लेकिन हमारे यहाँ का पीएच सामान्यतः 8 से ज़्यादा है जी। और टेम्परेचर भी जो है वातावरण का बहुत ज़्यादा होता है, तो खेत में हमारे पास सिंचाई का साधन नहीं है, तो खेत में नमी नहीं होती है, और हम उर्वरक जैसे हम जानते हैं कि फसलों के लिए बहुत आवश्यक है, जैसे हमें भोजन चाहिए, उर्वरकों के माध्यम से फसलों को भोजन मिलता है, बिल्कुल, तो वो देना आवश्यक है, लेकिन अगर खेत में नमी नहीं है तो हम उर्वरक नहीं दे सकते हैं, वो अच्छा प्रभाव के बजाय वो बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, वो खेत को जला देता है। ऐसी दशा में अगर हम स्प्रे के माध्यम से इस नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। दूसरा, खेत की मिट्टी का पीएच मान ज़्यादा होने से, टेम्परेचर ज़्यादा होने से जब हम यूरिया को खेत में डालते हैं तो वो धूप पड़ते ही वाष्पीकरण से वातावरण में उड़ जाता है, जिससे वो नुकसान होता है, पूरा लाभ नहीं मिल पाते। तो इन स्थितियों को देखते हुए अगर हम नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं, अपने फसलों पर छिड़कते हैं, तो उससे हमें फसल उत्पादन ज़्यादा मिलेगी और हम अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी रबी फसलों का समय चल रहा है, तो ऐसे में इन फसलों में हम किस तरह से यूरिया का इस्तेमाल करें या इसको उपयोग में लाएं, इसके बारे में आप बताइए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नैनो यूरिया है ये तरल रूप में है और इसका केवल स्प्रे के ही रूप में उपयोग किया जा सकता है, मतलब कि जब फसल हमारी 35 से 40 दिन हो जाए तो उसके बाद ही उपयोग करते हैं। जब बिजाई के समय या पहली सिंचाई पे अक्सर हमारे किसान भाई यूरिया का उपयोग करते हैं, तो वो सामान्य यूरिया जो दानेदार यूरिया होता है उसका उपयोग करना जरूरी है। जितना भी वो यूरिया बिजाई के समय दिए हैं या पहले पानी पे दिए हैं उस वो देना जरूरी है, और उसके बाद जब फसल हमारी 35 से 40 दिन की हो जाए या जब भी वो यूरिया खेत में डालें उसके 15 दिनों के बाद इसका पहला छिड़काव करना है। और एक बैग यूरिया वो जितने खेत में उपयोग करते हैं उतने में एक बोतल का उपयोग करना है।
अगर मान लीजिए एक बैग यूरिया वो एक एकड़ में डालते हैं तो एक बोतल हम एक एकड़ में यूज करेंगे और एक एकड़ के लिए लगभग 125 लीटर पानी स्प्रे के लिए लेंगे और साथ ही में 4 ml पर लीटर के हिसाब से, तो 500 ml का है तो 125 एक बोतल पूरा का पूरा उपयोग किया जा सकता है। तो जैसे गेहूँ की बात करें हम, तो गेहूँ में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, लगभग 250 किलोग्राम यूरिया का उपयोग किए करते हैं किसान भाई। तो 125 किलोग्राम वो बिजाई तथा पहली सिंचाई के समय वो सामान्य यूरिया के माध्यम से दें और उसके बाद इस नैनो यूरिया का 2 बार स्प्रे करना है। चने की बात करें तो चने में अक्सर खड़ी फसल में यूरिया किसान भाई लोग हमारे प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि उसमें सिफारिश नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने बिजाई के समय कम दिया है, उनके खेत की स्थिति अच्छी नहीं है, मतलब उर्वरा शक्ति ज़्यादा नहीं है, तो अगर वो खड़ी फसल में इस नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं तो उनके उत्पादन में 10-15% का वृद्धि देखी गई है। इसी तरह सरसों की बात करें, सरसों में अब फूल आने का समय हो गया है और सामान्यतः इस समय यूरिया का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इस नैनो यूरिया का हम उपयोग कर सकते हैं 2 से लेकर 4 ml पर लीटर के हिसाब से। जैसी भी उनकी अगर अभी ज़्यादा फूल नहीं आए हैं तो 4 ml तक ले सकते हैं और फूल आ गए हैं तो 2 ml का ही प्रति लीटर के हिसाब से उपयोग करें तो ये ज़्यादा लाभदायक होगा। डॉक्टर साहब, आपने खड़ी फसलों की बात करी, आपने रबी फसलों की बात करी, रबी फसलों में आपने गेहूं, चना, जौ, सरसों की बात करी, तो खड़ी फसलों पे या रबी फसलों पे नैनो यूरिया किस तरह से कार्य करता है? जनरली जो हमारे पौधे होते हैं, फसलें, वो जड़ों के माध्यम से ही उर्वरकों को लेते हैं, लेकिन ये बहुत से रिसर्च किए गए हैं कि पत्तियों में भी और उनकी शाखाओं पे भी ऐसे छिद्र होते हैं जिसे स्टोमेटा हम कहते हैं, उनके माध्यम से भी वो जो भी हम उर्वरक दें उन अगर घोल के अवस्था में स्प्रे के द्वारा देते हैं तो वो पत्तियों के द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन जो ये समान उर्वरक हैं इनके साइज बहुत बड़ी होती है या हम कहें कि छिद्र के तुलना में होते हैं तो उतना ज़्यादा अवशोषण पत्तियां नहीं कर पाती हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि नैनो यूरिया जो है ये बहुत ही छोटा होता है, ये 1 मीटर का 1/1 हिस्सा होता है, तो ये पत्तियों के द्वारा अच्छी तरह से अवशोषित कर लिया जाता है और जब भी पौधे को आवश्यकता होती है जितना भी डेली चाहिए वो धीरे धीरे उससे लेते रहना, नहीं तो ये पत्तियों में जैसे हमारी जो कोशिकाएँ होती हैं उसमें छिद्र स्थान होते हैं, रिक्त स्थान, उसमें ये पड़े रहते हैं और लंबे समय तक ये धीरे धीरे पौधों को पहुँचाते हैं। डॉक्टर साहब, जब हमारे किसान भाई बहन नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें तो किन किन खास बातों का ख्याल रखें? सामान्यतः हमारे किसान भाई बहुत से पेस्टिसाइड हुआ, कीटनाशक हुआ या जल विलय उर्वरक इनका स्प्रे करते रहते हैं और जो सावधानियां उसको स्प्रे करते समय करते हैं वही सावधानियां नैनो यूरिया के स्प्रे करते समय करना है, जैसे कि हाथ में ग्लव्स पहने रहें, मास्क का उपयोग करें और फुल बाही का अपना शर्ट पहने रहें, जो नोजल का उपयोग करना है वो फ्लैट फ्रंट नोजल का उपयोग करें जिससे कि अच्छी तरह से हमारे पेड़ जिसपे भी स्प्रे करें भीग जाएं और ये जो नैनो यूरिया है इसका 1 वर्ष के अंदर ही उपयोग करना है, उसपे जो निर्माण तिथि लिखी हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट हो, उससे 1 साल के अंदर ही करने पर ज़्यादा लाभ होगा। वैसे अगर वो बाद में भी करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर ज़्यादा लाभ लेना है तो उसको 1 साल के अंदर ही कर लेना है। और अगर मान लीजिए उन्होंने स्प्रे किया और 12 घंटे के अंदर बारिश हो जाती है तो इसको दोबारा स्प्रे करना पड़ेगा, अन्यथा उन्होंने जो होना चाहिए उतना लाभ नहीं मिलेगा। और स्प्रे का समय भी ध्यान रखना चाहिए कि सुबह के समय जब ज़्यादा हवा ना चल रही हो, ओस ना पड़ रहा हो, उस समय इनको करना चाहिए तो ज़्यादा, क्योंकि सुबह के समय पे जो मैंने बताया छिद्र होते हैं पत्तियों में ज़्यादा खुले होते हैं तो ज़्यादा ये पौधों के द्वारा लिए जाते हैं। और दूसरी बात, एक सावधानी और रखना चाहिए कि बच्चों से, कुत्तों से, मतलब जानवर जो पालतू आपके जानवर हैं या बच्चे, उनसे दूर रखना चाहिए, सूखी और ठंडी जगह पे इसका भंडारण करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर हमारे किसान भाई बहन नैनो यूरिया को खरीदना चाहें तो वो कहाँ से खरीदे, और मान लीजिए कि जो किसान भाई बहन हमारे मार्केट नहीं जा पा रहे हैं तो वो ऑनलाइन इसको कैसे खरीदे, इसके बारे में आप बताइए। जैसा कि आप जानती है कि इफ्को केवल जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, सहकारी समितियाँ ग्राम लेवल की हमारी हैं, ब्लॉक स्तर की हैं, उन्हीं के माध्यम से व्यापार करती है, तो ये केवल सहकारी समितियों पे उपलब्ध हैं, तो किसान भाई अपने किसी भी नज़दीकी सहकारी समिति से जाके इनको ले सकते हैं। और जैसे आपने पूछा कि
जो किसान भाई अगर नहीं जा पाते हैं या उनके से घर से बहुत दूर समिति है तो कैसे मंगा सकते हैं, तो इफ्को ने एक नई व्यवस्था शुरू की है कि वो ऑनलाइन ऑर्डर करके भी अपने घर पे बैठ के उसी रेट में, जिस रेट पे वो जाके सोसाइटी पे लेंगे, जैसे कि डेनो ये हमारा 240 रुपए का एक बॉटल है तो 240 रुपए में वो घर बैठे मंगा सकते हैं। इसके लिए उनको ifcobazaar.in का एक साइट है, उसमें पहले उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपना नाम एक बार क्यों करना पड़ेगा, उसके बाद वो जब भी चाहें एक मिनट के अंदर ऑर्डर दें और 2 से 3 दिनों के अंदर पे ये उनको उपलब्ध हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से या पर्यावरण की दृष्टि से कितना सुरक्षित है नैनो यूरिया अगर हमारे किसान भाई इस्तेमाल करते हैं तो स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर क्या प्रभाव दिखाई देता है, इसके बारे में बताइए। जी जी, ये सरकार के द्वारा अनुमोदित किया गया है और सरकार ने उत्पाद का अनुमोदन तभी करती है जब उसके सारे परीक्षण हो जाते हैं। तो फसलों पर जैसे कि हमने पूरे देश में लगभग 94 फसलों पे इसका परीक्षण किया, अपने राज्य में हमने लगभग 25 फसलों पे इसका परीक्षण किया है, हमारी जो जोबनेर उदयपुर की यूनिवर्सिटी है उनमें परीक्षण चल रहा है, साथ ही में 43 विश्वविद्यालयों में देश के इसका परीक्षण हुआ है। और साथ ही साथ इसकी जो किसी भी कितना क्राइटेरिया होती हैं कि वो जो चूहों पर पहले टेस्ट किया जाता है या के द्वारा पता किया जाता है कि आदमी के लिए कितना नुकसानदायक होगा कि नहीं होगा, तो ये सारे टेस्ट किए गए हैं और तभी सरकार के पास इसको दिया गया था अनुमोदन के लिए। उन्होंने सारे रिजल्ट जब इसके बहुत अच्छे, और कोई भी मतलब इसमें ऐसा विषैला पदार्थ नहीं है कि जो कि हानिकारक हो, और आपको मैं पहले बताया कि इसकी इफिशेंसी इतनी ज़्यादा है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से भी ये पोल्यूशन नहीं करता है, तो मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए या पौधों के लिए ये पूर्णतया सुरक्षित उत्पाद है। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने ढेर सारी बातें नैनो यूरिया के संदर्भ में हमारे किसान भाई बहनों को बताई, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। तो किसान भाइयों, आज हमने जाना नैनो यूरिया के महत्व के बारे में। नैनो यूरिया न केवल हमारे किसानों के लिए एक अच्छा और सस्ता विकल्प है, इससे हमारी फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में एक अनूठा प्रयास भी होगा। तो इसलिए आप भी नैनो यूरिया का इस्तेमाल करिए और अपनी धरती माता के स्वरूप को बचाइए। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं, और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। और किसान भाई और बहनों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। तो आज कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेते हैं आपसे आज्ञा, फिर हाजिर होंगे कार्यक्रम कृषि दर्शन में खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर, खेती किसानी के एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।